रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहां रिटन और अनरिटन की मैं बात कर रहा हूं तो एक बात पहले से पूर्व निर्धारित है, पहले से तय है कि अब यहां से हमारी चर्चा केवल व केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर होगी, है ना। हां, रिटन अनरिटन या नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस भी हो सकते हैं, बट अंदर खाने में अपने दिमाग में आप ध्यान रखेंगे कि अब हमारी कंसर्न्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर है और उसके तहत हम लोग लिखित बनाम अलिखित संविधान के बारे में अपनी समझ विकसित करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर लिखित व अलिखित संविधान के बारे में आप जान जाएंगे तो तय मानिए आपके लिए यह भी जानना आसान हो जाएगा कि भाई अगर किसी देश का संविधान लिखित है तो उस देश की राजव्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, अगर किसी देश का संविधान अलिखित है तो उसके राजव्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, संवैधानिक उपबंधों का स्वरूप कैसा होगा, क्या हर हमेशा लिखित संविधान में नम्य प्रावधान होंगे या अनम्य होंगे या दोनों का समिश्रित स्वरूप होगा, दोनों की ब्लेंडिंग होगी, ये तमाम बातें हम लोग यहां देखेंगे। कई दफा आप लिखित व अलिखित के नाम पर ही ये समझ लेते हैं कि उस देश की जो सरकारें होंगी, सरकार के जो विभिन्न अंग होंगे, उन अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण किस स्वरूप में किया गया है। केवल इतना जानने मात्र से कि वेदर द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन वन और अनरिटन वन, क्लियर है। चलो, लिखित संविधान अलिखित संविधान, चलो हिंदी में भी लिख देता हूं संक्षेप में, लिखित संविधान है ना, यहां अलिखित संविधान। देखो जी, ये नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि एक लिखा गया होगा दूसरा नहीं लिखा गया होगा, ऐसा देखने से लग रहा है कुछ लिखित है और एक क्या है अलिखित है। बट ये जो सीधे सीधे बात आपके दिमाग में आ रही है ना, इसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब मैं आपको संविधान का मतलब समझा रहा था तब क्या बोला था, पहला शब्द मेरा यही था कि यह एक दस्तावेज होता है, दस्तावेज, दस्तावेज बोले तो डॉक्यूमेंट। अब बताओ, आप मान लीजिए एक फाइल लेकर आए हैं, सपोज आपके पास एक फाइल है और उसमें 10 सफेद पन्ने रख दिए गए हों, सफेद बिल्कुल ब्लैंक हो, खाली हो, कुछ नहीं लिखा गया हो, आपसे कोई पूछेगा फाइल में क्या है तो क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे या खाली पन्ने बोलेंगे, इतना तो तय है ना कि आप उसे डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे। डॉक्यूमेंट का मतलब कि कुछ ना कुछ तो उसमें निहित होना चाहिए। चलो, तो अगर हम खाली पन्ने की संकल्पना को आधार बनाकर अलिखित का मतलब समझे तब तो यह निकलेगा कि अलिखित मतलब संविधान एक किताब होगी, उस किताब में सारे पन्ने खाली होंगे, कुछ नहीं होगा, तो फिर तो संविधान हुआ ही नहीं, क्योंकि दस्तावेज होना लाजिमी है, वहां दस्तावेज होना चाहिए। चलो लिखित तो आपका सीधा सपाट दिमाग भी यह समझ ले रहा होगा कि यहां चीजें लिखी गई होंगी, लेकिन उस सीधे सपाट दिमाग को यह भी समझाने का प्रयास करें कि अलिखित के अंदर भी वास्तव में लिखा होता है। अब सवाल यह उठता है कि यहां संविधान के संदर्भ में फिर इसके लिखित होने व अलिखित होने, इन दोनों में क्या विभेद है, समझ रहे मेरी बात। देखिए, पहली बात, दोनों लिखा होता है जी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी, क्यों, क्योंकि प्राइमरली बोथ आर द डॉक्यूमेंट्स एंड वेन एवर यू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट योर रेफरेंस मस्ट नॉट बी अबाउट द ब्लैंक पेपर्स, नो नॉट एट ऑल। जब कभी भी आप दस्तावेज की बात करेंगे खाली पन्नों की बात नहीं करनी, यहां चीजें तो लिखी ही होंगी। अब सवाल यह उठता है कि लिखे हुए में कुछ ना कुछ फर्क होगा, तभी हम सामान्य रूप से एक को लिखित बोल देते हैं दूसरे को अलिखित, यानी जो लिखित जैसा नहीं है उसको हमने यहां अलिखित बोल दिया। अब जरा सोचिए, पहले मैंने क्या बोला आपको कि संविधान के अंदर देश की राज व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु समाहित होते हैं, प्रिंसिपल्स निहित होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, पर आपको बता दूं पूरे विश्व में 4 ही 5 ऐसे संविधान है जो अलिखित है। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक पे तो उसमें मेरी कोशिश होगी कि वो सारे
इश्यूज भी हम रख दें ताकि आपका जो इन्फॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं खास करके इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लेकर वो भी पुख्ता हो जाए। वैसे एक लमसम आपको बताया कि 4-5 देशों में ही अलिखित संविधान आपको मिलेगा वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उसमें आपका एक सऊदी अरबिया भी है। एनीवे, जिस देश में भी अलिखित संविधान होगा इसका मतलब यह तो नहीं ना कि उस देश की सरकारें जिन बिंदुओं को फॉलो करते हुए शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करती हैं वे बिंदु वहां की आबोहवा में घूम रहा होगा, उड़ रहा होगा? नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी दस्तावेज के रूप में होगा ही। तो इतना तो तय हो गया ना कि लिखित होगा, वो लिखा गया होगा कहीं ना कहीं। अब जहां भी लिखा गया है लिखे हुए का स्वरूप कैसा है इसके आधार पर हम यहां विभेद उत्पन्न करेंगे। देखिए, लिखित संविधान इट इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ वेल टू डू प्लानिंग। यह चाक चौबंद योजना का नतीजा होता है, जबकि अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। यानी जब भी किसी देश को अपने लिए लिखित संविधान की व्यवस्था करनी हो सबसे पहले वहां पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वह संविधान सभा एक आम सहमति के आधार पर यह सुनिश्चित करेगी कि आखिर हमारी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कौन कौन से बिंदु उपयुक्त होंगे और उपयुक्तता के आधार पर, उनकी रिलेवेंस के आधार पर, अहमियत के आधार पर उन बिंदुओं का संविधान में संकलन किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। लेकिन जो ये अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान को तैयार करने के लिए कभी भी योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया जाता। मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेल टू डू प्लानिंग। ये मूलतः परंपराओं पर निर्भर करता है। और परंपरा का मतलब हमेशा ये नहीं कि आपके दिमाग में जैसे परंपरा शब्द आया आप मान लेंगे कि अच्छा हमारे यहां सती प्रथा, भेदभाव वगैरह वगैरह। नहीं, परंपराएं समृद्ध भी हो सकती हैं। हमारी भी तमाम ऐसी परंपराएं हैं जो काफी समृद्ध हैं, जिस पर हम फक्र कर सकते हैं। और उन्हीं परंपराओं के आधार पर कई दफा भारत के विश्व गुरु होने की संकल्पना आए दिन आप देखते होंगे लोग व्यक्त करते घूमते फिरते हैं। हां, लेकिन जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सवाल है, जिन देशों की लोकतांत्रिक परंपराएं समृद्ध हैं, आपको लगता है कि उन्हें एक साथ बैठ के एक संविधान सभा का सृजन करके विश्व के दूसरे दूसरे संविधानों का हवाला लेते हुए ये कोई ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, संविधान में कौन कौन से बिंदु समाहित करें जिससे हमारी राज्य व्यवस्था सही दिशा में संचालित हो सकेगी, प्रशासनिक व्यवस्था समृद्ध हो सकेगी, सुदृढ़ हो सकेगी? ये तो उसे करने की आवश्यकता है ना जिसकी लोकतांत्रिक परंपराएं समृद्ध नहीं है। जिसकी लोकतांत्रिक परंपराएं समृद्ध होगी कहीं ना कहीं उसकी परंपराओं में ये सारे गुण होंगे कि शासन देना है तो किस तरीके से देना होगा, कैसी शासनिक व्यवस्था ज्यादा न्यायोचित होगी, तर्कसंगत होगी, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा तर्कसंगत होगी, इन बिंदुओं पर बात करनी होती है। अब जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, और मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अलिखित संविधान के लिए संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग संविधान निर्माण के लिए सतर्क नहीं है क्या? उनके वो संविधानवाद की अवधारणा में विश्वास नहीं करते क्या? संविधानवाद के प्रति उनका कोई कमिटमेंट नहीं है? अरे साहब, हमसे कहीं ज्यादा है उनका कमिटमेंट। आप सड़कों पर चलते हैं, खूब साफ सुथरी सड़कें, गंदगी फैलाते हुए निकल जाते हैं, जहां मर्जी वहीं पान की पीके मार देते हैं, सब छोड़ो। कई दफा ट्रैफिक नियमों का पालन करने का भी आपके अंदर धैर्य नहीं होता। यह क्या दर्शाता है? क्या नियमों को पालन करने की हमारी परंपरा समृद्ध है ऐसा दर्शाता है? नहीं। अगर हमारी परंपरा में होता कि हर हाल में ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, रॉन्ग साइड से नहीं चलना है, तो क्या आगे चलकर इसके लिए किसी समिति बनाने की जरूरत पड़ती कि एक समिति बने वो यह निर्धारित करे कि ये ट्रैफिक नियमों का पालन करने का एक तरह से स्वरूप होगा, आप इस स्वरूप के अनुसार काम करेंगे तो ही ट्रैफिक नियमों का अनुपालन माना जाएगा, अन्यथा इलीगल माना जाएगा। अच्छा, ये बताइए
परंपरा का उदाहरण दे रहा हूं। हमारे समाज में एक परंपरा है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वृद्ध लोगों की इज्जत करते हैं, उनके प्रति सेवा भाव रखते हैं। निसंदेह यह हमारी समृद्ध परंपरा की तरफ इशारा करता है। अगर मान लीजिए समाज में ऐसी व्यवस्था कायम हो जाए जहां लोग वृद्ध जनों से विद्वेष पालने लगे, उनके प्रति घृणा का भाव अपने मन मस्तिष्क में डालने, तो आपको नहीं लगता कि वैसे में कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी और फिर कानून के माध्यम से आप फॉलो करेंगे, कानून के डर से करेंगे? इसका मतलब कि यहां पर परंपरा में कमी आ गई, तब जाकर आपके लिए कानून का प्रावधान करना पड़ा। बताओ यह क्या दर्शाता है? परंपरा के परंपराओं की बुनियाद पर अगर देश की संवैधानिक व्यवस्था का संचालन होता है तो यह इस बात का द्योतक है कि उस देश के लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमसे ज्यादा समृद्ध हैं, प्रवणता के लिहाज से हमसे ज्यादा समृद्ध हैं, जागरूकता के लिहाज से हमसे ज्यादा समृद्ध हैं। तो अगर आपके यहां लिखित संविधान है तो यह बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। यह दर्शाता है कि हमारे पास वैसी कोई भी उतनी समृद्ध परंपरा नहीं रही है जिसके आधार पे बिना भारी भरकम संविधान के हम शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर सके। अब इसके लिए वजह चाहे जो भी हो, देश का भौगोलिक रूप से बेहद विशाल होना, जनसंख्या के लिहाज से काफी भारी भरकम आबादी वाला देश होना, क्योंकि बड़े बड़े देशों में आमतौर पर यह मुमकिन नहीं हो पाता। पता चला कि देश के अंदर ही परंपराएं कई स्वरूप में देखी जाती है। उत्तर भारत की परंपराएं थोड़ी सी दक्षिण भारत से अलग दिख जाएंगी, उत्तर पूर्वी भारत की परंपराएं कई दफा दक्षिण भारत उत्तर भारत से अलग दिखेंगी। एनीवे, हाँ, बट इतना अगर सीधी सपाट भाषा में मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी तैयार किया जाता है इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होती है, यानी संविधान सभा की आवश्यकता होती है। यह संविधान सभा कैसी सभा होती है? संविधान को निर्मित करने वाली सभा, यानी इस सभा को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि देश का संविधान बनाने का जिम्मा आपके ऊपर है, आप निर्धारित करो कि आखिर संविधान के अंदर कौन कौन से बिंदु समाहित किए जाने हैं जिनके आधार पर देश की आगामी राज व्यवस्था का संचालन किया जाना है। इज इट ओके? अलिखित संविधान के लिए ऐसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनकी परंपराएं ऐसी इतनी समृद्ध होती है कि परंपराओं के आधार पर व्यवस्था चलती रहती है। हां, जब भी थोड़ा परंपराओं में बदलाव लाने की आवश्यकता हो, थोड़े मोड़े बदलाव ला दिए जाते हैं वक्त के अनुसार। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अलिखित संविधान तो हमेशा सृजन की प्रक्रिया से गुजरता रहता है, इसे किसी खास समय सीमा के अंदर समयबद्ध तरीके से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। हां, समयबद्ध तरीके से यह तैयार होता है, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर संविधान सभा बनी तो ऐसे तो है नहीं कि 100-200 वर्षों के लिए संविधान सभा बनेगी, एक सीमित समय अवधि के लिए उस सभा का गठन किया जाता है और उसका कार्यकाल लगभग तभी तक होता है जब तक वो संविधान बना ना ले, और जैसे ही उसने संविधान तैयार कर लिया उसके बाद उसका कार्यकाल फिर समाप्त करने की बारी आती है। यानी संविधान सभा जब भी बनेगी, कहने का मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से संविधान निर्माण का कार्य जब भी प्रारंभ होगा, तय मानिए एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त यह घोषित कर दिया जाएगा कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। अब बताओ यह घोषणा कहां हो सकती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में? निसंदेह रिटन के संदर्भ में, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि एक पत्र लिखो, आप पत्र लिखने बैठेंगे तो उसकी एक खास समय अवधि होगी ना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कि जीवन पर्यंत आप पत्र ही लिखते रहेंगे बैठकर। यानी लिखना आपने शुरू किया तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आप यह भी बोलेंगे कि हां साहब मैंने लिख लिया, यह लिखित के साथ है। अब चूंकि अलिखित संविधान किसी योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार की किसी संविधान सभा के द्वारा चूंकि इसका कार्य हो ही नहीं रहा है, इसका सृजन हो ही नहीं रहा है, इसके लिए कोई संविधान सभा है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे कि यह किसी खास समय में बनकर तैयार हो जाता है? नहीं, यह निरंतर बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंसेस प्रिवेल बिटवीन
द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एक बार मेरे साथ इसको दोहरा लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। पहली बात मैंने बताई, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे रिटन हो या अनरिटन हो, दोनों ही लिखित फॉर्मेट में होंगे, लिखे हुए रूप में होंगे। अब लिखे हुए रूप का मतलब यह मत समझना कि दोनों ही लिखित संविधान होंगे। मैंने क्या बोला? लिखे हुए रूप में। यहां लिखे हुए रूप का तात्पर्य है एक ऐसा लिखा हुआ रूप या लिखा हुआ स्वरूप जो किसी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया हो, सीधी सपाट भाषा में कहो जो संविधान सभा का संविधान सभा के प्रयासों से बना हो। जबकि अलिखित संविधान को बनाने के लिए किसी संविधान सभा को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए किसी संविधान सभा की जरूरत नहीं होती। तो फिर सवाल यह उठता है कि फिर किस तरीके से यह अभ्युदित होता है? यह अपनी परंपराओं के आधार पर अभ्युदित होता है, परंपराओं की बुनियाद पर अभ्युदित होता है। इंग्लैंड का अलिखित संविधान है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इंग्लैंड के लोगों के मन मस्तिष्क में लोकतांत्रिक परंपराएं उतनी समृद्ध नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि अलिखित संविधान से वो काम चला लेते हैं? नहीं चला पाते। वहां के भी नीति निर्धारक एक साथ आकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते कि देश के लिए संविधान तैयार किया जाए, लिखा जाए, फिर लिखने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता, उनसे एक सभा बनती जिसे आप क्या बोलते हैं? संविधान सभा। और फिर वह संविधान सभा अपने देश के लिए संविधान सृजन के कार्य को अंजाम देती। एनीवे, चलिए, यह एक ऐसा संविधान है जो किसी खास समय अवधि में बनकर तैयार हो गया होता है, यानी कहने का मतलब कि यह एक तरह का अधिनियमित संविधान होता है। शब्द अधिनियमित, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे आप, यानी उद्देशिका को, तो उसके जो नीचे का एक्सट्रैक्शन है उसमें आपको मिलेगा, वी डू हियर बाई एडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, डेट भी दिया होता है, डेटेड 26 नवंबर 1949, यानी भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, इनेक्ट कर दिया गया, यानी इसका अधिनियमन हो गया। देखो जी, संविधान का अधिनियमन होना और संविधान का लागू किया जाना, दोनों में फर्क है। अधिनियमन का मतलब होता है कि जिस तिथि को उसकी लेखन प्रक्रिया समाप्त हो गई, हमने मान लिया कि अब हमने अपना संविधान पूर्ण कर लिया, पूर्णतः तैयार कर लिया, जिस तिथि को यह घोषित कर दिया जाएगा कि संविधान लेखन का कार्य या संविधान निर्माण का कार्य पूर्णतः तैयार हो गया, इसी को हम बोलेंगे कि संविधान इस तिथि को अधिनियमित हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अधिनियमित हो गया, यानी उस तिथि को बनकर तैयार हो गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। दैट इज बेसिकली द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज 26 नवंबर 1949। ओके, 26 नवंबर 1949। अब देखिए, यानी यह अधिनियमित संविधान होता है, इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम लोग 2-3 बार इस बात का उल्लेख किए कि यह किसी संविधान सभा के सतर्क निर्णय का परिणाम नहीं होता, लिहाजा कोई ऐसी तिथि नहीं हो सकती जिसे आप कह सके कि इस तिथि को यह संविधान पूर्णतः बनके तैयार हो गया, बल्कि यह निरंतर बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। यह परंपराओं की बुनियाद पर निर्देशित होता है, और वक्त के साथ जैसे ही परंपराओं में बदलाव आता है, उस बदलाव को भी बड़ी आसानी से इसमें समाविष्ट कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे आप? अनरिटन को अभ्युदित संविधान, अभ्युदित यानी जो निरंतर विकास प्रक्रिया से गुजर रहा हो। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इवॉल्व्ड। इट परसिस्टेंटली गोज थ्रू द फेजेस ऑफ इवोल्यूशन। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रेफर्ड टू बी एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाई अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्ड टू एज व्हाट? इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। द रीजन बीइंग इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक डेट। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एम रिपीटिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was brought into legal existence on which date? 26th of November 1949. This is the reason why the Constitution of India is called as
enacted constitution. And why constitution of India only? See, all the written constitution prevailing across the world, they might be referred to as the enacted constitution. जहां कहीं भी लिखित संविधान होगा उसके अधिनियमन की कोई सुनिश्चित तिथि होगी ही होगी, लेकिन अलिखित संविधान के साथ ऐसा नहीं होगा. अलिखित संविधान के अधिनियमन की कोई तिथि नहीं होती. इज इट ओके? अगली बात, चलो हम लोग ये विभेद तो देख लिए कि लिखित संविधान हमेशा संविधान सभा के सतर्क निर्णय का परिणाम होता है, अलिखित संविधान परंपराओं की बुनियाद पर बनता है. यहां संविधान सभा जैसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होती, यहां किसी तरह के सतर्क निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं होती. दूसरी बात, लिखित संविधान एक खास तिथि को उसका अधिनियमन घोषित किया जाता है, जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर 1949. भारतीय परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य हुआ भारतीय संविधान के मद्देनजर. लेकिन अलिखित संविधान कभी अधिनियमित नहीं हो सकता, यह हमेशा कैसा होता है? अभ्युदित होता है. दो फर्क आप समझ गए. चलिए अगला फर्क हम लोग देखते हैं. लिखित के लिए मैं डब्ल्यूसी लिख रहा हूं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और अलिखित के लिए मैं यूसी लिख रहा हूं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन. पूर्व में हमने दो तीन विभेद देखे इनके बीच. अब देखिए जी तीसरी बात, जब हम लोग संविधान का मायने समझ रहे थे तब मैं आपको बताया था कि किसी भी देश का संविधान यह बतलाता है कि उस देश की जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, यहां विभिन्न अंग का तात्पर्य विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के रूप में इन तीनों अंगों से है, यानी ये सरकार के जो विभिन्न अंग हैं आखिर इनकी शक्तियों का स्वरूप कैसा है, किसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, किसे कम शक्तियां प्राप्त है, यह हमें संविधान बतला देता है. लेकिन यहां पर एक पॉइंट जरूर आप काफी थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ समझने का प्रयास करेंगे. देखो जी, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट्स ऑर्गन्स यानी सरकार के अंग, कितने अंग हैं? तीन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव को हम लोग देवनागरी में क्या बोलते हैं? विधायिका, विधायिका. एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका, कार्यपालिका. मैं कार्य डॉट लिख दिया हूं, आप समझ रहे होंगे इसको, कार्यपालिका. और जुडिशियरी को क्या बोलते हैं? न्यायपालिका. ये सरकार के तीनों अंग हुए. अब इन तीनों के मध्य शक्तियों का सीमांकन क्या होगा, किसे ज्यादा शक्तियां दी गई है, किसे कम, या सबको बराबर, ये कौन बतलाएगा? संविधान बतलाएगा. अब देखिए, चाहे किसी देश का संविधान लिखित हो अथवा अलिखित, सरकारें तो होंगी ही उस देश में. सरकार होंगी तो सरकार के तीनों अंग भी होंगे, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका. अब अगर when you go on to make an examination over the extent of the powers to be enjoyed by these different organs of the government, see, in case of written constitution, you will always find that it's the judiciary which enjoys the greatest power as comparison to rest of the organs, namely the legislative and the executive. But if our concern is to make an assessment, to make an examination of the extent of the powers of the different organs of the government, in case a country is having an unwritten constitution, in that situation you will always find that it's the legislative which enjoys the greatest power. Next to legislative, the power being enjoyed is by the judiciary. An executive always comes on bottom in case of an unwritten constitution. In Hindi suno, agar samvidhan likhit ho तो ध्यान रखना सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का जब भी आप मूल्यांकन करेंगे हमेशा पाएंगे कि जुडिशियरी के पास लेजिस्लेटिव व एग्जीक्यूटिव से ज्यादा शक्तियां होगी. इट ऑलवेज इंजॉयज ग्रेटर पावर एज कंपेरिजन टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. अब देखो जी, मैं कहूं कि अमेरिका में लिखित संविधान है,
अब जरा बताइए, जब अमेरिका में लिखित संविधान है तो सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो जरा बताइए किसके पास ज्यादा शक्तियां पाएंगे आप, किस अंग के पास? न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका? जाहिर सी बात है न्यायपालिका के पास, क्योंकि लिखित संविधान में हमेशा न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी। और आपको बताऊं, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को वैश्विक राज्य व्यवस्था में या विश्व में व्याप्त तमाम प्रकार की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में अलग अलग स्वरूप में जाना जाता है। कई दफा न्यायपालिका की सर्वोच्चता को संविधान की सर्वोच्चता नाम भी दे दिया जाता है। जैसे भारत में भी सरकार के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा शक्तियों का लुप्त कौन उठाएगा यहां? ऑफकोर्स न्यायपालिका। लेकिन हम लोग न्यायिक सर्वोच्चता जैसे टर्म का इस्तेमाल नहीं करते भारतीय परिप्रेक्ष्य में। किसका इस्तेमाल करते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता। हालांकि संवैधानिक सर्वोच्चता किसके माध्यम से परिलक्षित होती है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता के माध्यम से। क्लियर है यह बात? तो जहां भी लिखित संविधान होगा आपको न्यायपालिका की सर्वोच्चता दिखेगी। अब कार्यपालिका और विधायिका में कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा यह अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारे यहां है, अब यहां कार्यपालिका व विधायिका के अंदर आप कंपेरिजन करना चाहेंगे तो कभी भी न्यायोचित तुलना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां की कार्यपालिका भी विधायिका की पेट से ही निकलती है। आगे समझेंगे हम लोग जब डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षणों का अवलोकन करेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था वह अध्यक्षीय यानी राष्ट्रपति प्रकार की शासन व्यवस्था में क्या फर्क है। एनीवे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आपने देखा हमेशा जुडिशियरी के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से ज्यादा शक्तियां होंगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन हो तो ये पावर शेयरिंग थोड़ी अलग हो जाती है। कैसी दिखेगी यहां? हैव अ लुक। यहां पर अब जुडिशियरी सुप्रीम पावर इंजॉय नहीं करेगी बल्कि किसके पास चला जाएगा? लेजिस्लेटिव के पास, विधायिका के पास। देखो जी, लेजिस्लेटिव को लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं, विधि निर्मात्री निकाय, विधि निर्मात्री संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, समझे? तो लेजिस्लेटिव के पास सबसे ज्यादा शक्तियां होंगी। इसके बाद किसकी बारी आएगी? दूसरे नंबर पे आप जुडिशियरी को रख सकते हैं, जुडिशियरी। और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट का लास्ट तो सबसे अंत में होता ही है, मतलब अंत में कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब कि जुडिशियरी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जुडिशियरी विधायिका के कार्यों को कभी भी निरस्त नहीं कर सकती, विधायिका के कार्यों को या विधायिका के डिसीजन को चुनौती नहीं दे सकती। हां, कार्यपालिका के कार्यों को जरूर पलट सकती है अगर उसे न्याय संगत नहीं पाती है तो। लेकिन लिखित संविधान के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका दोनों ही के निर्णय को असंवैधानिक होने की स्थिति में निरस्त कर सकती है, चुनौती दे सकती है, कटघरे में खड़ा कर सकती है। तो जाहिर सी बात है यहां पर न्यायपालिका के पास सर्वोच्च शक्तियां हैं, ये विधायिका व कार्यपालिका दोनों के निर्णय में बदलाव लाने को उन्हें मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर संविधान अलिखित हो तो वहां पर न्यायपालिका कार्यपालिका के निर्णय को बदलने के लिए कार्यपालिका को मजबूर कर सकती है लेकिन विधायिका को कभी नहीं करेगी। ऐसा इसलिए कि अलिखित संविधान में जो विधायिका है यानी विधि निर्मात्री संस्था है उसके द्वारा जो भी वैधानिक निर्णय लिए जाते हैं, जो भी वैधानिक बदलाव लाए जाते हैं, उन बदलावों को स्वतः अलिखित संविधान का अभिन्न अंग मान लिया जाता है। तो विधायिका की जुबान संविधान का उपबंध। और आपको बताया था ना, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, इसलिए यहां पर विधायिका के निर्णय को यह चुनौती नहीं दे सकते। कहने का मतलब कि सुप्रीम अथॉरिटी कौन होती है यहां? विधायिका। दूसरे नंबर पे आप न्यायपालिका को रखेंगे, तीसरे नंबर पे तब एक ही जो बची है कार्यपालिका। यहां पर क्या होगा? लिखित संविधान के संदर्भ में न्यायपालिका हमेशा सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग करेगी, उसके बाद विधायिका व कार्यपालिका। तो चलिए, यह विभेद हमने देख लिया। अब सीधी बात, अगर मैं कहूं कि चलो मैं देश का नाम नहीं लूंगा कौन सा है, मैंने रख दिया कि देखो जी ये एम एक कंट्री है,
जिसका संविधान अलिखित है, बताओ क्या यहां पर न्यायिक सर्वोच्चता दिखेगी? क्या यहां जुडिशियल सुप्रीमेसी आप पा सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा? नहीं। लेकिन वही अगर बोलता कि चलो अब दूसरी तरफ मान लो कि एम एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित नहीं अपितु लिखित है, आपको नहीं लगता? आप तपाक से बोलते आंख बंद करके कि कैसा होगा यहां पर सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का सीमांकन, सीधे बोलते न्यायपालिका सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग करेगी, न्यायपालिका सर्वशक्तिशाली होगी यहां पर, यानी उपलब्ध अंगों में सर्वशक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। इजंट इट? ओके, अगला विभेद देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हुए देखा था कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन यह जरूर बतलाता है कि उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। समझ रहे मेरी बात? चलो, यानी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नेचर ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टेड इन द गिवन कंट्री। यानी किसी देश का, ध्यान रखेंगे इस समीकरण को ध्यान रखेंगे, कोई भी संविधान हो, उस संविधान की जैसी प्रकृति होगी उस देश की राज व्यवस्था की भी वैसी ही प्रकृति होगी। ये तो होना लाजमी है, जैसा संविधान वैसी राज व्यवस्था, या अगर उल्टा चले तो जैसी राज व्यवस्था वैसा ही संविधान, फॉलो वही करेंगे जो फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। किसके माध्यम से कहा जाएगा? संविधान के माध्यम से कहा जाएगा, और जब फॉलो कर दिया जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? पॉलिटी। इज इट ओके? देखिए, अब चाहे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो या नेचर ऑफ पॉलिटी की बात हो, रिमेंबर सामान्यतः वैश्विक स्तर पे संविधान की प्रकृति या राज व्यवस्था की प्रकृति को तीन स्वरूपों में देखा जाता है। तीन स्वरूपों में देखिए, या तो राज व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक हो सकती है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में यूनिटरी बोलते हैं, यूनिटरी नेचर ऑफ पॉलिटी, या फिर राज व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक हो सकती है, फेडरल। इसको आप तारांकित कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि संघात्मक में भी अलग अलग तरह की संघात्मकताएं होती हैं, अलग अलग तरह की संघात्मक व्यवस्था होती है। इसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा जब भारतीय संविधान की प्रकृति का हम लोग आकलन करेंगे, है ना? तो इस पे हम थोड़ा फोकस्ड रहेंगे, इसलिए मैंने यही आपको बोल दिया कि आप इसे तारांकित कर लेंगे। तीसरी प्रकृति क्या हो सकती है? एक ऐसी प्रकृति जो प्रथम दोनों का मिश्रण हो, यानी एकात्मकता व संघात्मकता अगर दोनों ही लक्षण किसी व्यवस्था में व्याप्त हो तो उस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक, देखिए इसी को कहेंगे हम लोग क्वासाई फेडरल, क्वासाई फेडरल, अर्धसंघात्मक। दिख रहा है? ये तीनों, यानी राज व्यवस्था की सामान्यता यही तीन तरह की प्रकृतियां आपको दिखेंगी। अब सिंपल सी बात, जब राज व्यवस्था की दिखेगी तो संविधान की भी यही दिखेगी। अरे भाई, कोई संविधान अगर अर्धसंघात्मक प्रावधानों को अपने अंदर समाहित किया हो तो आपको नहीं लगता कि उस देश की राज व्यवस्था भी अर्धसंघात्मक प्रवृत्ति से ही संचालित होगी? राज व्यवस्था की प्रवृत्ति भी अर्धसंघात्मक ही कहलाएगी। यहां प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों का एक ही तात्पर्य है। अब देखिए, अगर बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हो, अगर किसी देश में लिखित संविधान है तो यह ध्यान रखेंगे, लिखित संविधान अगर होगा तो राज व्यवस्था की प्रकृति के संदर्भ में आपके समक्ष ये तीनों विकल्प खुले होंगे। यानी मान लीजिए, सपोज कोई संविधान सभा है, संविधान सभा कहां चाहिए होगी? लिखित संविधान बनाने के लिए। अब उस संविधान ने संविधान सृजन के दौरान उन तमाम उपबंधों को संविधान में समाहित कर दिया जो मूलतः संघात्मक राज व्यवस्था के द्योतक हों, वैसे में संविधान की प्रकृति कैसी हो जाएगी? संघात्मक। और उसके द्वारा दी जाने वाली राज व्यवस्था भी फिर कैसी कहलाएगी? संघात्मक। लेकिन अगर संविधान निर्माताओं के मन में आया कि नहीं साहब, हमें केवल एकात्मक बिंदु समाहित करने हैं, तो ध्यान रखेंगे
लिखित संविधान में उसके पास ये भी विकल्प खुला होता है, वो चाहे तो सारे के सारे एकात्मक प्रावधान संविधान में शामिल कर देगा। एकात्मक संघात्मक व अर्ध संघात्मक का मतलब आपको बताऊंगा, अभी बस टर्म से मतलब रखिए जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समय के साथ ये सारी चीजें बिल्कुल खोल खोल के हम लोग पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं ने कुछ एकात्मक प्रावधान डाल दिए और कुछ संघात्मक प्रावधान डाल दिए, वैसे में क्या हो जाएगा? वैसे में वह संविधान ना तो पूर्णतः एकात्मक होगा ना ही पूर्णतः संघात्मक होगा, लिहाजा उसे क्या करार देंगे? अर्धसंघात्मक, क्वासाई फेडरल, अर्धसंघात्मक। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके पास लिखित संविधान है तो आंख बंद करके आप नहीं बोल सकते कि वेदर द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल ओनली, वेदर द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी ओनली, और वेदर इट इज क्वासाई फेडरल। नो, नॉट एट ऑल। आपको रेफर करना पड़ेगा संविधान को ये जानने के लिए कि किस तरह का है, पता लगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि लिखित संविधान के संदर्भ में ये तीनों विकल्प खुले होते हैं। लिखित संविधान हो सकता है पूर्णतः एकात्मक हो सकता है पूर्णतः संघात्मक हो सकता है अर्धसंघात्मक। अब ये किसके मना मस्तिष्क पर निर्भर करेगा? संविधान निर्माताओं की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा, संविधान बनाने वाले लोगों की रणनीति पर निर्भर करेगा। आखिर उन्होंने संविधान के अंदर किस तरह के प्रावधानों को समाहित करने की रणनीतियां अपनाई हो। इस तरीके से लिखित के संदर्भ में आपके पास ये तीनों विकल्प हैं। ओके, दूसरी बात, अगर संविधान अलिखित है तब आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे, अलिखित संविधान हमेशा राज व्यवस्था की एकात्मक प्रकृति की तरफ इशारा करता है, यानी अलिखित के संदर्भ में हमेशा एकात्मक व्यवस्था होगी। डबल एरो यहां लगा रहा हूं मैं ताकि आपको आप फर्क कर पाएंगे। देख रहे हैं, यानी अगर यह पता चल जाए कि इस देश का संविधान अलिखित है तो इतना तो तय है ना कि वहां पर ये आप कभी नहीं बोलेंगे कि हां यहां पर संघात्मक राज व्यवस्था हो सकती है, यहां अर्ध संघात्मक राज व्यवस्था हो सकती है। नो, नॉट एट ऑल। किस तरह की राज व्यवस्था होगी? सदैव एकात्मक होगी, कभी संघात्मक नहीं, कभी अर्ध संघात्मक नहीं। लेकिन अगर संविधान लिखित प्रकार का है तब उस स्थिति में तो तीनों विकल्प खुला होगा। अभी संविधान निर्माताओं की मना स्थिति को समझना पड़ेगा, उनके जायजा लेना पड़ेगा किसी न किसी स्रोत के माध्यम से, स्रोत कोई भी हो सकता है। संविधान पढ़ के समझ लो कि एकात्मक संघात्मक या अर्ध संघात्मक में से क्या है, या फिर किसी से पता कर लो कि भाई यहां का संविधान किसकी तरफ इशारा करता है, संघात्मकता की तरफ, एकात्मकता की तरफ या अर्ध संघात्मकता की तरफ। समझे मेरी बात? ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान की प्रकृति का भी जायजा लिया, लिखित व अलिखित संविधान में विभेद के आधार पर। एक और बात, जैसा मैंने कहा कि चाहे लिखित हो या अलिखित हो उसमें बातें तो संकलित होंगी ही होंगी, यानी जो उसका कंटेंट होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा, वो तो लिख के ही रखा गया होगा, लिख के ही प्रेषित किया गया होगा। अब सवाल यह उठता है कि संविधान के अंदर जो बातें लिखी होती है उसको हम लोग तकनीकी रूप से संवैधानिक उपबंध या संवैधानिक प्रावधान बोलते हैं, है ना? अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्केड्यूल्स के तहत, अलग अलग अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स के रूप में जो बातें लिखी गई होती है उन्हें संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक उपबंध बोलते हैं। अब देखिए, अगर संविधान के अंदर दिए गए उपबंधों को आसानी से बदला जा सके, उसमें बदलाव लाया जा सके, जिसको तकनीकी लहजे में संशोधन कहते हैं, अगर संविधान में दिए गए प्रावधान आसानी से संशोधनीय हों, तो समझ जाना कि आसानी से संशोधित हो जाने वाले प्रावधान नम्य प्रावधान कहलाएंगे, यानी फ्लेक्सिबल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रावधान आसानी से संशोधित न हो उन्हें आप क्या बोलेंगे? अनम्य प्रावधान, कठोर प्रावधान, रिजिड प्रोविजंस। अब जाहिर सी बात है, संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई है आखिर किस बात की संवेदनशीलता कैसी है, किस बात की यानी किस प्रावधान की अहमियत क्या है, आपको नहीं लगता कि उसकी अहमियत व संवेदनशीलता के आधार पर संविधान निर्माताओं के द्वारा जरूर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया होगा कि इसमें संशोधन आसानी से हो सकेगा या संशोधन प्रक्रिया जटिल होगी? कहने का तात्पर्य संशोधन में मुश्किलात आएंगी।
हाँ इतना तय है, आप समझ जाएंगे कि जो प्रावधान आसानी से संशोधित हो सकता है, आसानी से जिसमें बदलाव लाया जा सकता है, उसे संविधान का फ्लेक्सिबल प्रोविजन कहेंगे, नम्य प्रावधान कहेंगे, लचीला प्रावधान कहेंगे। और जो प्रावधान आसानी से संशोधित न हो, देखो मेरे शब्द पे विचार करना, आसानी से संशोधित न हो, इसका मतलब एक बात तो तय है कि संशोधित तो होगा ही होगा, यानी असंशोधनीयता से, असंशोधनीयता की तरफ मेरा इशारा नहीं है, मेरा इशारा किधर है, जो आसानी से संशोधित न हो। कहने का मतलब संशोधित तो हो लेकिन संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल भरी हो, जटिल हो, उस प्रावधान को क्या बोलेंगे, अनम्य प्रावधान। आगे हम लोग समझेंगे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जब बात होती है तो नम्य व अनम्य दोनों ही प्रावधानों के अद्भुत सम्मिश्रण की चर्चा होती है कि दोनों प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या वजह थी, संविधान सभा में किस तरह की चर्चा हुई इस मुद्दे पर, आगे की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। बस अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि संविधान चाहे कैसा भी हो, अगर वो संविधान है तो ध्यान रखना उसमें लिखी हुई बातें सदैव संशोधित होंगी, कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जिसमें संशोधन न किया जा सके, यानी संविधान में संशोधन हमेशा मुमकिन होता है। हां कुछ शर्तें होती हैं, अब संशोधन के नाम पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि संविधान की जो मूल अवधारणा है वही चोटिल हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यहां संशोधनीयता व असंशोधनीयता को लेकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी कोई संविधान स्टैटिक बनाया ही नहीं जा सकता, स्थैतिक हो ही नहीं सकता, जब भी होगा गतिज होगा, डायनेमिक होगा, उसके अंदर एक काइनेटिक अप्रोच होगा, समय वो परिस्थितियों के अनुसार उसके प्रावधानों में बदलाव मुमकिन होगा। अगर किसी संविधान के बारे में यह कहा जाए कि इसमें जो भी प्रावधान दे दिया गया है कभी बदलाव नहीं हो सकता, तो तय मानना वो संविधान है ही नहीं। तो एक बात तो तय होगी कि संविधान में बदलाव मुमकिन है चाहे कैसा भी संविधान हो। तो इतना तय है कि चाहे हम लिखित संविधान की बात करें या फिर अलिखित संविधान की बात करें, संशोधित तो ये होंगे ही होंगे। संविधान में संशोधन का तात्पर्य है संविधान के उपबंधों में बदलाव, संविधान के प्रावधानों में बदलाव, यानी प्रावधानों में संशोधन। अब उन्हीं प्रावधानों का आकलन करना है, उन्हीं का अवलोकन करना है, और जब अवलोकन करने की दिशा में यह पता चले कि कोई प्रावधान बेहद आसानी से संशोधित हो जा रहा है, इसका मतलब कि वो कैसा प्रावधान है, नम्य प्रावधान है, नरम प्रावधान है, लचीला प्रावधान है। और जो संशोधित तो खैर होना ही होना है, असंशोधनीयता तो यहां होगी ही नहीं, असंशोधनीयता जैसे शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल देंगे अगर बात संविधान की करनी हो तो। हां अगर कोई प्रावधान मुश्किल से संशोधित हो तो उस प्रावधान को क्या बोलेंगे, जटिल प्रावधान या कठोर प्रावधान या अनम्य प्रावधान, अंग्रेजी में इसी को रिजिड प्रोविजन कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका संविधान लिखित है तो संभव है कि उस संविधान में दिए हुए जितने प्रावधान हैं सबके सबको नम्य बना दिया जाए, यह संभव है, अगेन संविधान सभा पर निर्भर करेगा। ऐसा संविधान है विश्व में, आप श्रीलंका का संविधान ले लीजिए, श्रीलंका का संविधान लिखित है लेकिन उसके सारे के सारे प्रावधान कैसे हैं, फ्लेक्सिबल्स हैं, नम्य है, बेहद आसानी से उनमें संशोधन लाया जा सकता है। लेकिन वही अगर देख लीजिए अमेरिका का संविधान, लिखित संविधान है लेकिन इसके सारे के सारे प्रावधान कमोबेश कठोर हैं, अनम्य है। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अमेरिकी संविधान में संशोधन नहीं होगा, संशोधन हो सकेगा, होता भी है, बस यह है कि संशोधन की प्रक्रिया जटिल होगी। तो अमेरिका का संविधान कमोबेश पूर्णतः कठोर है, श्रीलंका का पूर्णतः लचीला है, लेकिन भारत का संविधान कैसा है, कठोर व लचीले दोनों का सम्मिश्रण है, नम्य व अनम्य दोनों ही तरह के प्रावधान हमारे संविधान में है। अब देखिए संविधान अगर लिखित हो और हम बात इसके प्रोविजंस की करें, प्रावधानों की करें, तो आपको बताऊं संभव है इसके अंदर पूरे के पूरे रिजिड प्रोविजंस हो। आर मैंने लिखा है रिजिड प्रोविजंस को दर्शाने के लिए,
यह भी संभव है इसके सारे के सारे प्रावधान कैसे हों, फ्लेक्सिबल हों, नम्य हों, और यह भी संभव है कि इसके प्रावधान रिजिड व फ्लेक्सिबल दोनों के सम्मिश्रण हो, नम्यता व अनम्यता दोनों का सम्मिश्रण हो। और इसका एग्जाम्पल है आइडियल एग्जाम्पल से, देखिए ऐसा लिखित संविधान जिसके सारे के सारे प्रावधान कठोर हो, आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल लेंगे अमेरिकी संविधान का, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा संविधान जो लिखित हो किंतु सारे के सारे प्रावधान नम्य हो, लचीले हो, इधर आ जाओ फ्लेक्सिबल में, मैं इधर लिखता हूं श्रीलंका, श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा लिखित संविधान जिसके अंदर नम्य व अनम्य दोनों ही तरह के प्रावधान सम्मिलित हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपका भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का तात्पर्य है कि लिखित संविधान के प्रावधान इन तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं, संभव है पूरे के पूरे कठोर हो, संभव है पूरे के पूरे लचीले हो, यह भी संभव है कि कठोरता व लचीलेपना का सम्मिश्रण हो। लेकिन अगर बात अलिखित संविधान के प्रावधानों की जाए, समझे, अलिखित संविधान के प्रावधानों की, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे अलिखित संविधान के प्रावधान सदैव फ्लेक्सिबल होंगे, सदैव फ्लेक्सिबल, यानी इनमें जब कभी भी संशोधन लाना हो बेहद आसानी से संशोधन लाया जा सकता है। हम लोग संशोधन के बारे में भी पढ़ेंगे कि आसान संशोधन और मुश्किल संशोधन में क्या फर्क होता है, अभी मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं। ऐसा संशोधन जो बिल्कुल सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाए या सामान्य बहुमत से संशोधन विधेयक पारित कर दिया जाए, बदलाव ला दिया जाए, उसे आप समझ लेना कि बेहद फ्लेक्सिबल प्रावधान में संशोधन लाया गया है। और जब संशोधन की प्रक्रिया विशेष बहुमत के द्वारा अपनाई जाती है तब हम कहते हैं कि नहीं, थोड़े जटिल प्रावधान में हम संशोधन लाए हैं। जिस प्रावधान में हम संशोधन ला रहे हैं वो नम्य नहीं है बल्कि अनम्य है, अगर नम्य होता तो सामान्य बहुमत से भी संशोधन लाया जा सकता था। जैसे फर्स्ट स्केड्यूल में जब भी देखा होगा आपने, जब नए राज्य का सृजन होता है या किसी राज्य का नाम, क्षेत्रफल या सीमा में अगर बदलाव ला दिया गया, तो नाम में बदलाव लाओगे तो पहले पता चला कि किसी राज्य का नाम सपोज क्या करना है, सीधे उदाहरण ही देख लेते हैं, उत्तरांचल। अब फर्स्ट स्केड्यूल में जब उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने थे तब क्रमशः इनका यही नाम था, झारखंड को तो खैर अभी भी झारखंड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ अभी भी छत्तीसगढ़ है, लेकिन जिसे आज उत्तराखंड आप बोलते हैं वो उन दिनों उत्तरांचल हुआ करता था। अब उत्तरांचल की जगह उत्तरांचल के नाम में बदलाव करके जो आपने उत्तराखंड लिख दिया संविधान में पहली अनुसूची में, तो यह भी तो बदलाव हुआ भाई। बदलाव का संविधान में बदलाव यानी संविधान में संशोधन का मतलब अगर आप उसमें कोई कॉमा यानी अल्प विराम, पूर्ण विराम, खड़ी पाई, कुछ भी बदलाव आप कर दिए तो भी संशोधन कहलाएगा। अगर सामान्य बहुमत से बदलाव किया गया है तो समझना कि बड़ी आसानी से संशोधन हो गया, और विशेष बहुमत से अगर बदलाव लाया जा रहा है तो समझना कि जिस प्रावधान में भी आप संशोधन ला रहे हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है, रिजिड प्रोविजन है। तो इतना तय है कि अलिखित संविधान में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं होता जिसकी संशोधनीयता जटिल हो, जिसमें संशोधन लाना मुश्किल हो, नहीं, बेहद आसानी से आप संशोधन ला सकते हैं। तो यह रहा आपका लिखित व अलिखित संविधान में फर्क, क्लियर है ये बात, व्हाट्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार मैं फटाफट समअप कर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। लिखित संविधान, वन टू वन हम लोग दोनों की बात करेंगे एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग। लिखित संविधान के लिए संविधान सभा चाहिए, अलिखित संविधान के लिए नहीं, यानी अलिखित संविधान को अगर निर्मित करना हो तो किसी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान परंपराओं की बुनियाद पर उदित होता है और निरंतर बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, इसीलिए अलिखित को हम लोग अभ्युदित संविधान भी कहते हैं। लेकिन लिखित संविधान को क्या बोलते हैं? अधिनियमित संविधान, यानी इसका लेखन कार्य एक खास तिथि को प्रारंभ होता है
और एक खास तिथि को समाप्त भी हो जाता है। जिस तिथि को लेखन कार्य समाप्त होता है उसी तिथि को क्या बोलते हैं? अधिनियमन की तिथि बोलते हैं। क्लियर है ये बात? अगला फर्क, लिखित संविधान जब सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का परीक्षण करेगा, उनका सीमांकन करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि न्यायपालिका के पास हमेशा हमेशा सर्वाधिक शक्तियां होंगी, विधायिका व कार्यपालिका उसके बाद आएंगी। यानी विधायिका व कार्यपालिका के निर्णय को न्यायपालिका निरस्त करने की क्षमता रखेगी। यह लिखित में है, लेकिन अलिखित में न्यायपालिका से कहीं ज्यादा पावरफुल विधायिका होती है। उसके बाद न्यायपालिका की बारी आती है, फिर कार्यपालिका की बारी है ना। राज व्यवस्था की प्रकृति के संदर्भ में हमने विचार किया और राज व्यवस्था की प्रकृति के संदर्भ में हमने क्या सीखा? हमने यह देखा कि लिखित संविधान की स्थिति में राज व्यवस्था के तीनों स्वरूप खुले होते हैं। संभव है राज व्यवस्था की प्रवृत्ति एकात्मक है, संभव है राज व्यवस्था की प्रवृत्ति या प्रकृति संघात्मक होगी, यह भी संभव है कि राज व्यवस्था की प्रकृति अर्धसंघात्मक होगी। लेकिन अगर संविधान अलिखित हो जिस किसी भी देश का, तो समझ जाना कि उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति सदैव एकात्मक होगी, कभी संघात्मक नहीं हो सकती। और जब संघात्मक और एकात्मक दोनों की अवधारणा नहीं आएगी तो अर्ध संघात्मकता का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अर्ध संघात्मकता मूल रूप से कोई नई व्यवस्था नहीं है, वो बेसिकली पूर्व की दो व्यवस्थाओं का एक सम्मिश्रण है, यानी एकात्मकता व संघात्मकता का सम्मिलित रूप है। संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो लिखित संविधान के प्रावधान हो सकता है सारे के सारे कठोर हो सकता है सारे के सारे लचीले हो यानी नम्य हो, यह भी हो सकता है दोनों का सम्मिश्रण हो। लेकिन अलिखित के संदर्भ में समस्त प्रावधान सदैव लचीले होंगे। यहां अलिखित के संदर्भ में मैं बता रहा हूं आपको, वहां की जो विधायिका होती है देश की, वो जो भी निर्णय लेगी, जो भी डिसीजन लेगी, वो सारे डिसीजन स्वतः ही अलिखित संविधान के अभिन्न अंग मान लिए जाते हैं। तो ये निरंतर बदलाव की अवस्था से गुजर रहा होता है और ये ऐसा संविधान है जिसका निर्माण कार्य, जिसका सृजन कार्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसके प्रावधानों को बड़ी आसानी से जब मर्जी तब संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा लिखित व अलिखित संविधान में फर्क। इस तरह हमने पहले पढ़ा संविधान व संविधानवाद की संकल्पना, अब हमने पढ़ा लिखित व अलिखित संविधान में क्या फर्क है। अगर लिखित व अलिखित के स्थान पे आपसे अधिनियमित व अभ्युदित संविधान भी पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लिखित को ही अधिनियमित कहते हैं, अलिखित को ही अभ्युदित भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों फेसिट्स समझ में आए होंगे। यह भी उम्मीद करता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आप उन्हें जरूर नोट डाउन किए होंगे, लिखे होंगे। अब जल्द ही इसके आगे के टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।